हेलो एवरीवन, जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसमें एडमिशन लेता है, तो उसे कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आना होता है। तो ये जो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट है वो कैश में भी ला सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो ये जो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट है वो कैश में और अलग अलग एसेट्स को मिलाकर लाया, या सिर्फ एसेट्स लेकर आया है। कैपिटल और गुडविल के लिए जो पैसा चाहिए था, जो लाना था, जितना अमाउंट उसे उसके लिए वो एसेट लेकर आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो आज उसी स्थिति में जब नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल और गुडविल के लिए एसेट लेकर आ रहा है, अलग अलग तरह की संपत्ति लेकर आ रहा है, और उस स्थिति में गुडविल के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे एंट्रीज करते हैं वो करके देखेंगे हम लोग। तो कुछ एक सवाल लेते हैं और उसको फिर बनाते हैं हम लोग। तो ये सवाल है, देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में बांटते हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022। वो सी को, नया पार्टनर सी को 1 अप्रैल 2022 को पार्टनरशिप में लेते हैं, जिसको कि हिस्सा दिया जाएगा कितना, 2/7। Goodwill of the firm on this date is valued at ₹17,500। और उस डेट को, जिस डेट को नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, गुडविल का वैल्यूएशन होना है, क्योंकि नए पार्टनर को गुडविल में अपना हिस्सा लेके आना होगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ उस डेट को, फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 17,500। सी कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल एंड गुडविल। और सी जो है अपना कैपिटल और गुडविल के लिए ये सारा एसेट लेके आ रहा है। क्या क्या लेके आ रहा है, तो कैश लेके आ रहा है 2,500, फिर डेटर्स लेकर आ रहा है 4,500, फिर स्टॉक है 5,000 का और मशीनरी 4,000 का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि नया पार्टनर कैपिटल तो अपना लेकर आएगा, क्योंकि बिजनेस में वो हिस्सेदार बन रहा है, और गुडविल का पैसा इसलिए लेकर आता है क्योंकि उसके उसे प्रॉफिट में हिस्सेदार बनना है। और वो जो गुडविल का पैसा लेकर आएगा, वो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मतलब उस रेशियो में, जितने रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में वो अपना हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो जो ओल्ड रेशियो है, ए और बी के बीच जो रेशियो है, क्या है रेशियो बिटवीन ए एंड बी, क्या है, तो 3:2। ठीक है, नया पार्टनर जो आ रहा है, न्यू पार्टनर सी फॉर 2/7 शेयर, 2/7 हिस्से के लिए आ रहा है। इस 2/7 का एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ए कंट्रीब्यूट, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2/7 का 3/5, क्योंकि यही रेशियो है उसका पुराना 3/5, मतलब 6/35। और बी कंट्रीब्यूट करेगा 2/7 का, जो सी को मिलना है, 2/5, मतलब 4/35। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या होगा भाई, तो 6:4 या इसे अगर छोटा करें तो वही आएगा हमारा 3:2। तो क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, 3:2। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको, इस कैलकुलेशन को ना भी करके चल सकता था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां पे सवाल में ये दिया है कि नया पार्टनर इतने हिस्से के लिए आ रहा है, ये नहीं लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, तो वहां पे उनका सैक्रिफाइस उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो होगा वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही है जो ओल्ड रेशियो था, 3:2 ओल्ड रेशियो था, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है 3:2। अब हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री।
डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो और अमाउंट का दो कॉलम डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसके लिए एंट्री, कैपिटल और गुडविल दोनों जो लेकर आ रहा है उसके लिए जर्नल एंट्री। तो भाई यहाँ पे क्या क्या ला रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए, कैश ला रहा है, डेटर्स ला रहा है, स्टॉक ला रहा है, मशीनरी ला रहा है, ये सारा चीज मिलाकर ला रहा है। और कब है, कब हो रहा है ये काम, 2022 के अप्रैल 1 को, तो उस डेट को जो 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 सारा चीज लेकर वो आ रहा है उस सब उन सभी को डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना लेकर आया है, कैश 2500, उसके बाद में डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स कितना लेकर आ रहा है वो 4500, उसके बाद में स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितना ला रहा है 5000, फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 4000। तो ये सारा मिलाकर वो कितना लेकर आ रहा है 16000। अच्छा ये 16000 लेकर आ रहा है, इसमें कैपिटल कितना है तो हम निकाल लेते हैं कि उसका गुडविल का अमाउंट कितना बन रहा है जो उसे लेके आना है। तो भाई फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है 17500। तो फर्म्स गुडविल 17500 ये वैल्यूएशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें से ये तो है फर्म का गुडविल है, इसमें उसका हिस्सा कितना होगा तो सीड शेयर इन गुडविल 17500 का कितना, तो भाई कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो 2/7 के लिए, तो 2/7, तो 2/7 करेंगे तो ये आएगा हमारा 5000, ठीक है। तो गुडविल के लिए इतना लिख गया, गुडविल के लिए इतना ला रहा है उसे, उसके हिस्से का गुडविल इतना बचता है और वो ला रहा है टोटल 16। तो कैपिटल बराबर मतलब उसका कैपिटल कितना हुआ सीज कैपिटल 16000 टोटल लेकर आ रहा है, उसमें से 5000 गुडविल का, तो 11000 उसके हिस्से का कैपिटल वो लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री अब क्या करेंगे, सारा एसेट को डेबिट किया, जो जो लेकर आ रहा है कैश लेकर आ रहा है, डेटर्स लेकर आ रहा है, स्टॉक लेकर आ रहा है, मशीनरी लेकर आ रहा है, तो इन सबको डेबिट किया, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना 11000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 5000 बैंक डिफरेंट एसेट्स वेयर ब्राउट इन फॉर कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर लेकर आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना गुडविल लेके आया 5000, इसे बांट लेगा ए और बी ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में बांट लेगा भाई, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही है जो ओल्ड रेशियो है, तो 3:2, तो इसका मतलब 3/5 ए के हिस्से, तो 5000 का 3/5 करेंगे 3000 और 2/5 बी के हिस्से क्रेडिट होगा, ठीक है। बिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू
old partner in sacrificing ratio, that is 3:2. ठीक है, ये एक सवाल हुआ। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अब ये अगला सवाल, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। पी और क्यू पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। वे नए पार्टनर सी को लेते हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, जिसका हिस्सा होगा 1/5। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल। सी 30,000 रुपए कैपिटल का लेकर आता है एंड 10,000 एज गुडविल, और 10,000 रुपए गुडविल का लेकर आता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जब सी का एडमिशन हो रहा है, जिस डेट को सी का पार्टनरशिप बिजनेस में एंट्री हो रहा है, उस दिन गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ₹3,000। उस दिन जिस दिन हो रहा है, उस दिन बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा था, मतलब ये गुडविल पहले से है, इसे एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, है ना। वो कितना था? 3,000। तो भाई ये गुडविल जो है ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स शैल बी 5:3:2। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है यहां पे 5:3:2। तो यहां जो इसके पहले के सवाल में मैंने बताया था कि ओल्ड रेशियो जो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि वहां पे क्या सीधा दिया हुआ था, नया पार्टनर इतने हिस्से के लिए आ रहा है, ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ था। तो कैलकुलेट करके भी हम लोगों ने देखा कि जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी था। लेकिन यहां पे फर्क आएगा क्योंकि यहां पे पुराना रेशियो उनका दिया हुआ था और नया रेशियो उनका दिया हुआ है, तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराने रेशियो से अलग होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो गुडविल अपीयर है, ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक में, बैलेंस शीट में, जो कि एग्जिस्टिंग गुडविल है, वो है 3,000, जिसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटकर राइट ऑफ किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले क्या ओल्ड रेशियो है? ओल्ड रेशियो है ए और बी का कितना है, तो 3/5 और 2/5, यही है ना, 3/5 2/5। और जो न्यू रेशियो इनके बीच में है वो क्या है, ए और बी का, तो 5/10 और 3/10। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है भाई? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या, ए का निकालते हैं पहले, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 और न्यू रेशियो है 5/10। उसका एलसीएम लेंगे तो 10, तो 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, तो हो गया 1/10। 1/10 का सैक्रिफाइस ए का और बी का देख लेते हैं, तो बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस 3/10, तो एलसीएम 10, 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो इसका भी 1/10, मतलब इन लोगों का बराबर का सैक्रिफाइस हो रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का 1:1, ठीक है, इस रेशियो में, मतलब बराबर बराबर सैक्रिफाइस कर रहे हैं दोनों पार्टनर। अब हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो और अमाउंट का दोबारा, ठीक है, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो और अमाउंट का दोबारा, डेबिट क्रेडिट। क्या बताया मैंने, ये जो ऑलरेडी अपियर्ड है बुक में जो गुडविल, जैसे कि एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, है ना,
इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटकर समाप्त करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ये एक तरह। तो इसे समाप्त करेंगे तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, दोनों ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना है ये ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, ये है 3000, इसे राइट ऑफ करना है दोनों पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में, मतलब 3/5 को कितना हो गया 3/5, 3000 का 3/5 करो तो 1800, 1800 और 2/5 1200, ठीक है। नरेशन बिंग एग्जिस्टिंग गुडविल वॉज रिटेन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, क्या ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2, इसे राइट ऑफ कर दिया गया। अब आगे वही करना, नया पार्टनर जो कैपिटल गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है उसके लिए एंट्री। तो भाई नया पार्टनर जो लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है नया पार्टनर, तो 30,000 रुपए कैपिटल का, 10,000 रुपए गुडविल का, तो इसके लिए एंट्री हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, तो 30,000 कैपिटल का और 10,000 गुडविल का, मिलाकर 40। अच्छा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये नया पार्टनर है सी, उसका कैपिटल कितना हो गया 30,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये कितना 10,000, बिंग कैश ब्रॉट इन बाय सी फॉर कैपिटल एंड गुडविल। और उसके तो ये क्या करना है, ये जो गुडविल का अमाउंट लेकर आता है इसे ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में बांट लेते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का अमाउंट वो कितना लेके आया, 10,000 रुपए, इस 10,000 को ये लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों का बराबर है, बराबर है, 1:1 है, तो आधा आधा दोनों बांट लेंगे, 1/2 1/2, तो कितना हो गया 5,000 ए के हिस्से और 5,000 बी के हिस्से हो गया, ठीक है। बिंग बी अमाउंट ऑफ गुडविल credited to old partners capital in sacrificing ratio that is 1:1, ये हो गया। और यहां एक स्थिति कभी कभी ये रहता है सवाल में, कभी कभी लिखा रहता है सवाल में कि फर्म ने डिसीजन लिया है कि जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है उसमें से कुछ गुडविल का अमाउंट को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। तो सपोज इसी सवाल को लेते हैं, गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट 3000, उसके बाद में यहां पे सवाल थोड़ा अलग हो गया कि द फर्म डिसाइडेड to continue already appeared goodwill at rupees
1000 फर्म ने निर्णय लिया है कि जो गुडविल ऑलरेडी अपियर्ड था बुक में उसमें से एक हजार जो है गुडविल को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो भाई उस स्थिति में हम जो 3000 का गुडविल दिख रहा है 3000 के गुडविल को राइट ऑफ नहीं करेंगे जैसा कि अभी हमने किया। वहां पे क्या करेंगे तो वहां पे हम चूंकि 1000 के गुडविल को आगे भी फर्म में दिखाया जाना है तो राइट ऑफ कितना करेंगे 2000। टोटल 3000 का गुडविल था जो कि ऑलरेडी अपियर्ड था बुक में, एग्जिस्टिंग गुडविल था, उसमें से 1000 का गुडविल आगे भी कंटिन्यू करना है तो उस स्थिति में 2000 के गुडविल को ही हम राइट ऑफ करेंगे। तब क्या होगा सवाल में, एंट्री वही होगा, दोनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और एग्जिस्टिंग गुडविल को क्रेडिट किया जाएगा। तो कितना क्रेडिट किया जाएगा, मात्र 2000, 1000 तो भाई आगे भी दिखाया जाना है, तब वो 1000 आगे भी बैलेंस शीट में दिखेगा और 2000 ही राइट ऑफ होगा। तो ये भी वही उसी ओल्ड रेशियो में, तो 3/5 तो हो गया 1200 ए के हिस्से और 800 बी के हिस्से राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशियो में। बाकी सवाल बाकी एंट्रीज वैसे ही होने, नया पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल लेकर आया और फिर वो गुडविल का अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर जैसे बांट लिया बिल्कुल वैसे ही एंट्री होगा। सिर्फ ये जो गुडविल राइट ऑफ हुआ उसके एंट्री में ये चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया कि गुडविल का अमाउंट जो राइट ऑफ पहले 3000 हो रहा था मात्र 2000 होगा क्योंकि फर्म ने डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है कि 1000 के गुडविल को जो पहले से बुक में एग्जिस्टिंग गुडविल है उसमें से 1000 के गुडविल को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।